नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में बीते वर्षों की बात, इस वर्ष भी जवाहर डॉक्टर्स एसोसिएशन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न गांवों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराएगा। एसोसिएशन के संरक्षक एवं पूर्व CMO डॉक्टर नारायण पांगते ने बताया कि शिविरों की शुरुआत आगामी 5 जून को धर्मगढ़, 7 व 8 जून को CSC मुंशियारी में चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में फिजिशियन, ENT रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और बजाज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर अजय बजाज के साथ साथ गैस्ट्रो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ अपनी सेवा देंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, एक्सरे की जाँच, दवा निशुल्क वितरित की जाएगी। डॉक्टर पांगती ने मुंशियारी सहित जिले के जनता से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीणा के आदेश अनुसार जुआ, सट्टा और नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष नीरज भाकनी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उस्मान उर्फ घोड़ा निवासी मलिक का बगीचा बनभूलपुरा उम्र 32 वर्ष के कब्जे से पैनगत्ता, सट्टा पर्ची और नकदी 1,110 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इधर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सराफत हुसैन उर्फ कबाड़ी उम्र 38 वर्ष के कब्जे से 9.54 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी पूर्व में भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा अंबेडकर पुस्तकालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम फाउंडेशन के अध्यक्ष देवानंद आगरी व उनकी धर्मपत्नी उर्मिला आगरी ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष आगरी ने बताया कि फाउंडेशन बीते लंबे समय से समाज में गरीब जरूरतमंदों की मदद करते आया है। कार्यक्रम में किशोर कुमार द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के तेजम तहसील के मोडम गाँव के निकट जंगल में चल रहे जानवरों पर दो गुलदारों ने हमला कर 4 बच्चियां मार दी और एक बछड़े को घायल कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। दो गुलदारों के हमले में गोकर्ण सिंह, हरक सिंह मेहता की एक एक और दिनेश सिंह की 2 बच्चियां मार दी। दरबान सिंह मेहता के एक बछड़े को घायल कर दिया। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर वन दरोगा रमेश सिंह व वन बीट अधिकारी जसवंत सिंह ने गांव जाकर मृत जानवरों की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट कार्यालय को भेज दी। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदारों के लिए पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है। जंगल की आग बुझाने के दौरान एक महिला आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को निकट के CSC पहुंचाया गया, पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर एम्स रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार देवप्रिया के चाका मार्ग स्थित गोदान गांव में बीती शाम जंगल की आग घरों तक पहुंच गई। इस दौरान 21 वर्षीय पूजा देवी अपने घर से सटे खेत में फैली आग को बुझाने में जुट गई और आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। 80% से अधिक जली महिला को CSC बागी पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। CSC से दी गई सूचना पर तहसीलदार SS रावत और पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बताया कि पूजा का पति अरविंद सिंह विदेश में है, उसे घटना की सूचना दे दी गई है। पूजा की बीते 2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।